खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अभी हाल ही में आकाश निगम नामक एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक आकाश निगम की मां ने अब पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची चिंता देवी, पत्नी स्वर्गीय अशोक निगम निवासी चकला मोहल्ला तकिया कोतवाली आजमगढ़ ने बताया कि उनके बेटे की मौत 6 जून 2021 को रात में एक सड़क हादसे में हो गई। इस हादसे की FIR थाना मुबारकपुर में मुकदमा संख्या 119/21 के अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 427 और 304A IPC में दर्ज हुई, जिसमें टक्कर मारने वाली गाड़ी BMW बताई गई, जिसका नंबर MH04-8170 बताया गया कि इस कार को कामरान खान नामक व्यक्ति चला रहा था। चिंता देवी ने बताया कि बेटे के अंतिम संस्कार में मृतक आकाश निगम के अन्य 3 मित्रों ने बताया कि दुर्घटना की रात आकाश और शिवम तथा कामरान खान और उसके अन्य 3 साथियों के बीच BMW कार के साथ वेलकम ढाबा पर सेल्फी लेने के कारण कहासुनी हो गई थी, जिसमें कामरान खान ने आकाश और शिवम की औकात देख लेने और आगे निपट लेने की धमकी दी थी। आरोप है कि उसके बाद कामरान खान ने अपनी BMW कार से आकाश निगम की बाइक पर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण आकाश निगम की मौके पर ही मौत हो गई और शिवम गंभीर रूप से घायल होकर लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती है। अब पीड़ित मां ने SP आजमगढ़ से नए तथ्यों को देखते हुए FIR में अन्य धाराओं के साथ साथ IPC की धारा 302 और 307 को बढ़ाने की मांग की है, साथ ही पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। मामला एक मुबारकपुर थाना के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट, जिसमें BMW कामरान खान का वो ढाबे पे कुछ बहस होने के बाद 10-15 मिनट बाद बाइक को टक्कर मारते हुए मौके पर आकाश निगम का मौत हो गया। उस समय हम लोगों को पता नहीं था कि मामला ये है, फिर कुछ समय बाद पता चला तो ये मामला एक्सीडेंटल ना, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 302 में इसको तब्दील किया जाए। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 302 लगवाते हैं। कामरान खान IPL क्रिकेटर। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।